आंटी बिल्कुल सही कह रही थी, मेरे इमोशंस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ आकर वो सब कुछ याद आ गया जो मैं भूल जाना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन ये घर जिसका है वो गलत है। प्रज्ञा, वीडियो कॉल? ऑल ओके बेटा? नॉट ओके एट ऑल। मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपका आपका दिया हुआ हर चैलेंज पूरा किया, लेकिन यहाँ आके हार गई। होता है, ऑस्ट्रेलिया में सारे टेस्ट सीरीज जीत गई, लेकिन इंडिया यानी अपने होम ग्राउंड में आकर हार गई। पर देखना, इस हार में भी तुम्हारी जीत होगी। मतलब आप श्योर थे कि मैं हार जाऊंगी? इसीलिए तो मैंने ये ऑक्शन नहीं रुकवाई। ऑक्शन टीम और सारे क्लाइंट्स तुम्हारी सेक्रेटरी अंजना के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अंजना से कह दूंगी कि वो सब कुछ रेडी करवा के रखे। ज्यादा सोचो मत प्रज्ञा। अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर तुम इतनी आगे बढ़ी हो, अगर अब तुम अपनी पास्ट लाइफ को पकड़े रखोगी ना, तो इससे आगे नहीं बढ़ पाओगी। अगर इस घर की अच्छाइयों को देखोगी तो उस घर के लोगों की बुराइयों को नहीं देख पाओगी जिन्होंने तुम्हें मार डालना चाहा था। प्रज्ञा, यू नो ना यू एलर्जिक टू डस्ट। निकलो वहां से, अगर ज्यादा देर रुकोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं अंजना से बोलकर सब कुछ रेडी करवा दूंगी। ओके, ठीक। प्रज्ञा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि घर की नीलामी हो रही है, तो सोचा एक आखिरी बार। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ? प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ बोलो। प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज अपनी आगे खोलो, सांस नहीं। देखो देखो प्रज्ञा, घबराना मत, तुम बस लंबी सांसें लो और पैनिक मत करना, शांत हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए मैं शांत नहीं हो सकती। तुम लड़ोगी तो सांस और चढ़ेगी यार तुम्हारी। फेक कंसर्न मत दिखाइए, मुझे पता कितनी चिंता है। मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मदद, लीव मी अलोन। बस यही आता है तुम्हें, लीव मी अलोन, मेक हिम अलोन। नहीं छोड़ रहा मैं, नहीं जा रहा कहीं भी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं, 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 मुझे अच्छा बोलोगी तो अच्छा होगा ना। तुम बोली क्यों रही हो? लंबी सांस लो ना तुम। नहीं नहीं मुझे सांस, जब तक अब सांस। तुम चुप रहना, अब मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। तुम दरवाजे से दूर हटना, मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रज्ञा, अगर तुम दरवाजे के सामने हो तो हट जाओ सामने से।
मैं जस्ट पहुंच ही गया। ओके ओके, वेट, आई कॉल यू। ओह गॉड, अब तक कोई आया नहीं। हाय, आई एम अंजना या। हाय, क्लाइंट्स आने वाले हैं और हम सब भी रेडी हैं। सुषमा मैम ने बताया प्रज्ञा मैम भी यहाँ पर है, तो मैं उनको लेके आती हूँ। लो आ गए। हेलो सर, वेलकम। कम यस सर, या हेलो। घर देख लिया ना, आपको और क्या चाहिए? देखने तो घर आया था, पर घरवाली भी दिखी। प्लीज फेक मोशन दिखाने की जरूरत नहीं, फेक कंसर्न देख लिया मैंने। सर फेक लगता है तुम्हें? मैं मेरे इमोशंस, इस घर की यादें, ये घर भी तुम्हें फेक लग रहा होगा ना? याद है इस घर में पहली बार कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी ना, तो मेरी बातें सुननी पड़ेगी तुम्हें। अगर सब कुछ फेक लग रहा है तो इस घर में क्या करने आई हो तुम? बताओ। कहा ना कोई बात नहीं करनी, ना आप मेरे पास आएंगे ना मुझे आपके पास आना। इनफैक्ट जहां आप सांस ले रहे ना वहां मैं सांस। तुम देखो बोलो मत ना, जितना बोलोगी उतनी तकलीफ होगी तुम्हें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो प्रज्ञा? तुम यहाँ बैठो, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। प्रज्ञा मैम। तुम कौन हो? मैं प्रज्ञा मैम की सेक्रेटरी हूँ, मैं उन्हें नीचे ऑक्शन के लिए लेने आई थी। क्या हुआ मैम को? प्यार हो गया है मैम को, दिख नहीं रहा है कि सांस नहीं ले पा रही है ये। तुम क्लाइंट को बोलो घर जाओ, डॉक्टर को भेजो यहाँ पर जल्दी। तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्या की कर रही हो? तुम अभी खड़ी हो, जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं बोलोगी, तो जितना पैनिक करोगी ना उतनी सांस अटक जाएगी तुम्हारी। नहीं, मुझे कोई कंसर्न नहीं, मुझे पता अब कुछ और मेरे सामने कंसर्न। बस आप तो मेरा मुंह ना सिर्फ सांस लेने के लिए खोलोगी। मुझे नहीं समझनी आपकी बात। चुप। आप क्या कुछ क्या आराम से मेरे सामने नाटक खुशी आपको कि मैं समझ नहीं रहे हो प्रज्ञा? हे प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रज्ञा प्लीज आके करो। शिट 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 शिट। अंजना, एक्सक्यूज मी, बोलो। अंजना मैम, वो प्रज्ञा मैम, मैं उन्हें ऑक्शन के लिए बुलाने गई थी। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, पर उनके साथ एक आदमी भी था। तुम वहीं वेट करो, मैं बस 5 मिनट में पहुंच गई हूँ, पास के ऑफिस में हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। क्यों लिखी आपने मेरी ऐसी किस्मत? सब कुछ देके भी सब कुछ छीन ली। मेरे पास रणवीर के अलावा और कोई नहीं है, और रणवीर के पास मेरे अलावा कोई नहीं। क्या बहुत कुछ पाने की कीमत बहुत कुछ खोना होता है? रणवीर की माँ मुझसे नफरत करती है, और जब तक वो मुझे अपनाएंगी नहीं, रणवीर उस घर में वापस नहीं जाएगा। आप ही बताइए क्या करूं मैं? कोई तो रास्ता होगा आपके पास, बताइए। गुड मॉर्निंग प्राचिया। क्या हुआ, क्या हुआ, दिखा। कितनी बार बोला है, छोटा सा घर है, हम लोग बिना फर्नीचर के भी तो रह सकते हैं। हमारी सामने शाह मेरे पैर पे लग गई। नहीं नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, पर तुम रो रही हो? नहीं नहीं,
रो नहीं, रोऊंगी क्यों मैं, वो तो मैं वो आँख में क्या कुछ चला गया? प्राची इससे बहुत बेहतर बहाने मार सकती हो, तुम 21st सेंचुरी की लड़की हो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ऑल गुड, किसने कुछ कहा? नहीं, प्याज काट रही थी ना तो ऑब्वियसली जल गई आखिर। प्याज को ना मैं बैन करा दूंगा पूरी दिल्ली से, कुछ नहीं करते। देखो इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू दे दिए, सो बैड। और तुम्हें भी कितनी बार बोला है मैंने, मुझे बताया करो, मैं काटूंगा ना सारे प्याज, तुम क्यों काट रहे हो? मैं बहुत अच्छे प्याज काटता हूं, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं काटूंगा, कहां है प्याज? रणबीर को पता चला कि मैं प्याज नहीं काट रही थी तो वो बातों में तो पता लगा ही लेगा, और उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी मॉम से मिली थी और उन्हीं की वजह से रो रही हूँ। कहाँ है प्याज का बताओ ना, मैं भी काटूंगा, फिर हम दोनों रोएंगे, थोड़ा थोड़ा ट्विनिंग कर लेंगे हम भी। रणबीर, कैन यू हग मी? ऑफ कोर्स आई कैन, कोई पूछने की बात है? कम है, कमाल की बात है। लोगों की वाइफ यूजुअली सैड होती है, इमोशनल होती है, इसलिए उनको अच्छे होता है, पर तुम तो प्याज काटते काटते इमोशनल हो गई। हाउ स्वीट। पता है मैं पागल था, मैं प्याज बैन कर रहा था, मैं प्याज बैन ही नहीं करूँगा, हमारे घर में सिर्फ प्याज ही प्याज आएंगे, प्याज की सब्जी, प्याज के पराठे, प्याज की चटनी, प्याज का सब कुछ खाएंगे हम। पागल हो तुम? वो तो मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारे प्यार में प्याज खाएं। प्रज्ञा, ये प्रज्ञा, प्रज्ञा आंखें खोलो, तुम सांस लो ना प्लीज। कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। प्रज्ञा, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा, मैं। आप सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ, आंखें बंद मत करो प्रज्ञा, बात बात करो मुझे। यही करना पड़ेगा, डॉक्टर के आने तक देर ना हो जाए। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? वो बेहोश और हटो वहां से, हटो। वो डस की वजह से, ये संभालो, डस की वजह से वो संभाल के, आराम से। पर वो प्रज्ञा, मैं कैसे? मेरे साथ बाहर आओ, डॉक्टर आप चेक कीजिए ना। मैम प्लीज, कम विद मी प्लीज। डॉक्टर कम आउट, डोंट वरी, सांस में प्रॉब्लम हो रही है। आप प्रज्ञा कम, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुमने प्रज्ञा के साथ जो कुछ भी, डॉक्टर अच्छा है ना, वो प्रज्ञा को ठीक तो कर देगा ना। प्रज्ञा से दूर रहो तुम। डॉक्टर प्रज्ञा ठीक तो है ना? कह रही हूँ, सुना तुमने? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? आप प्लीज चुप रहेंगे? मुझे नहीं लगता है डॉक्टर सही है, या तो आप जाइए या मुझे जाने दीजिए, मैं ही जाता हूं। नहीं, तुम यही रुको, मैं जाती हूँ। डॉक्टर प्लीज, कैसी हालत है? इंजेक्शन देना होगा, हॉस्पिटल तो नहीं ले जाना पड़ेगा ना? डोंट वरी, इस इंजेक्शन से बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। मैम मैं नीचे क्लाइंट्स को देख के आती हूँ। हो क्या रहा है डॉक्टर? कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है वहाँ पर? डॉक्टर आप कुछ तो बोलो यार, बेहोश वो है आप। कौन है ये? कोई नहीं डॉक्टर, कुछ तो बोलो ना मुझे, वो ठीक तो है ना? चिल्लाना बंद करो और जाओ यहाँ से। थैंक गॉड मैं ऑक्शन में अपना बैग साथ में लेके आया, अगर ये इंजेक्शन नहीं मिलता ना तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता और बहुत ही देर हो जाती, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती थी। प्रज्ञा टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तुम ठीक हो ना बेटा? Please, come with me, please. Doctor, come out. मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो, ये ऐसे नहीं मानेगा। Let me talk to him. No. ये मेरी बात है ना, मैं ही इस बात को खत्म करूंगी।
इमोशन हो रहा है राइट? यस। नहीं, बात तो कुछ जरूर है और बात बड़ी भी है। भाभी फिर से वही कड़वी मेथी। अब ये मत कहने लगना कि ये कड़वी मेथी खाकर ही तुम कड़वा बोलने लगी हो। अब जो सस्ता होगा वही इस घर में आएगा ना। मैंने सही कहा ना? पर आप क्या कह रही थी? बात जो बड़ी है बात कुछ और है। क्या कह रही थी आप? यही कि तुम दोनों ने कुछ गलत किया है और मुझसे छुपाया भी है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात मिताली को पता ही ना चले। क्या मतलब है आपका कि कुछ गलत किया था? गलत तो तुम लोगों ने किया था, नहीं तो तनु ऐसे खाते खाते रुक ना जाती। देखो गलत तो हुआ था, मतलब प्रज्ञा की कार का एक्सीडेंट हुआ है ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस कार के एक्सीडेंट के पीछे का सच कोई भी नहीं जानता। मतलब रॉकस्टार की वाइफ थी वो, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, जितने लोग उतने सस्पेक्ट, फिर भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। हाथ लगा तो सिर्फ कार का कबाड़ा। उससे कोई कैसे बता सकता है कि प्रज्ञा उसमें से निकली या उसे निकाला गया, कार का एक्सीडेंट अपने आप हुआ या कार का एक्सीडेंट करवाया गया। और हद तो तब हो गई जब 2 साल बाद वो केस बंद भी कर दिया। तुम दोनों ना अच्छी तरह एक बात समझ लो, केस पुलिस ने क्लोज किया है, मिताली ने नहीं। मेरा दिमाग ना अभी भी खुला हुआ है, मैं तो सच का पता लगा कर ही रहूंगी। सारे सस्पेक्ट मेरे सामने हैं और वैसे भी प्रज्ञा वापस आ गई है हमारी लाइफ में, तो अब तो सच पता चलना चाहिए ना। बंद कीजिए अपना ये थ्रिलर ड्रामा। क्या सच जाना है आपको? क्या कर लेंगे आप सच जान के? पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है कि प्रज्ञा के कल्प्रिट को जो ढूंढ के लगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। अरे तो जाइए ना पुलिस स्टेशन और जाके बोल दीजिए कि तनु ने मर्डर किया है। मतलब उसने वाकई में प्रज्ञा का कार का एक्सीडेंट करवाया था? तुमने वो मर्डर प्लान किया था? अरे मिताली भाभी वो आपकी फिरकी ले रही है, मजे ले रही है आपके। और तुम भी ना तनु, क्या तुम जानती नहीं हो मिताली भाभी को? मिताली भाभी वो नीतू के घर में कितने सारे क्राइम थ्रिलर प्रोग्राम देखती है। हा? उनका दिमाग तो वही क्राइम एंगल में चलता है, और उनके चलते एपिसोड में तुम एक नया क्राइम एंगल डाल रही हो। सीरियसली ले लेंगी वो बात को मिताली भाभी? मुझे भी पानी चाहिए। एक्चुअली राइट, मेरी जुबान पे ना काला तिल भी है, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ सब सच हो जाता है। क्या कहा तुमने? काला तिल? तो मेरे लिए अच्छी अच्छी विश करो ना प्लीज। अच्छा अच्छा खाना बनाओगे तो अच्छा बोलूंगी ना, ये कड़वी मेथी में क्या अच्छा बोलूं? मैं कल तुम्हारे लिए ना पनीर बना दूंगी, मटर पनीर चलेगा? तो प्लीज आज मेरे लिए विश करो कि मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लगे, जिससे मैं ना एक बड़ा सारा मेंशन खरीदूं और मेरे उस मेंशन में ना तुम सब लोग मेरे साथ में रहो। अगर मेंशन में ही रहना है तो ये विश मैं अपने लिए ना मांग लूं। खाना तो वैसे बहुत अच्छा बना था मिताली भाभी। इसका मतलब ये झूठ बोल रही है कि इसकी जुबान पे काला तिल है? हाँ, क्योंकि अगर काला तिल होता तो सच में प्रज्ञा की कार का एक्सीडेंट का मर्डर प्लान होता। प्लीज आलिया मुझे मत समझाना, मैं और टेंशन नहीं ले सकती, नहीं देख सकती मैं प्रज्ञा को अपने सामने, वो भी इतनी रिच। वो यहाँ पे हमसे बदला लेने आई है और सारे पत्ते उसी के हाथ में, और हम इसे देखते रहे? नहीं आलिया, हमें वहां जाना चाहिए, कुछ चीजें सेटल करनी चाहिए। भले ही सारे पत्ते उसके हाथ में हो लेकिन आखिरी पत्ता हम फेंकेंगे। मिस्टर मेहरा, बता था मुझे आओगी, मुझे रोकोगी, सॉरी बोलोगी कि मैंने तुम्हें पुश किया, ऐसा मत सकता। आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैंने आपसे बात करने के लिए आपको रोका है? सॉरी कहने के लिए आपको रोका? आई एम नॉट सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। बस प्रज्ञा
बहुत हो गया। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों क्यों नाराज हो तुम मुझसे? देखो मुझे तुम्हारे पतला हुआ अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है सुपर, पर तुम्हारी ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ये क्यों गुस्से में मुंह फुला रखा है तुमने? पहले जब तुम मुंह फुलाती थी तो प्यार से फुलाती थी ना, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम फुगी रखा था। मेरी फुगी नहीं हूं मैं, आपकी फुगी।